मेला जो है लक्खी मेला वो शुरू हो चुका है। अभी भी पहले मैंने लाइव में दिखाया और अब ये हम दूसरी लाइव में आपके साथ जुड़ रहे हैं और मेले के अंदर पूरा मेले का जो टूर है वो करवाएंगे। जैसे इधर कपड़े जो है इतने अच्छे अच्छे हैं और मेले का हर किसी को इंतजार रहता है, खासकर महिलाओं को भी इंतजार रहता है कि कपड़े जो है उधर अच्छी रेट में मिल जाते हैं। बैग्स वगैरह जो है सारी चीजें जो है एक ही छत के नीचे आप लोगों को मिल जाती है, वो होता है मेला। और बाबा राम सपीर जो लोक देवता है उनका लक्खी मेला जो है वो शुरू हो चुका है। तो वीडियो को शेयर करते रहे ताकि लोग जो है वो घर बैठे मेले का आनंद जो है वो ले सके। और घर के डेकोरेशन के लिए जैसे कि यहाँ पर जो पायदान वगैरह जो होते हैं, बेडशीट्स है पूरा डेकोरेट के लिए, होम डेकोरेट के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो मेले के अंदर अपन को मिल जाती है और वो सारी चीजें भी जो है वो इसके अंदर है। बाकी इधर देखिए टी शर्ट्स वगैरह, किचन के सारे मटेरियल्स जो होते हैं किचन के अंदर, जो भी एक महिलाओं की नीड रहती है कि हमें बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन जो है वो चाहिए ताकि खाना हम उसमें सजाए, बहुत ही सुंदर सुंदर बर्तन जो है वो रखे हुए हैं। और एक चीज मैं सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उन सबको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि मौसम जो है उसका भी साथ साथ में, मेले के आनंद के साथ साथ में अपना जो स्वास्थ्य है उसका भी ख्याल रखें। मेले के अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ है, उस कारण सांस लेने में दिक्कत जो है वो हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो पानी की बोतल अपने साथ में रखें, मेले के आनंद के साथ साथ में अपना स्वास्थ्य जो है उसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखें। एक बच्चों की मेले के अंदर सबसे अच्छी चीज तो है ना, बच्चों की जो स्टेशनरी है उसका भी सारा सामान जो है यहाँ पर है एक ही टेंट के नीचे। टोटल स्टेशनरी है जो बच्चों के बुक्स के लेकर, स्लेट्स के लेकर, गाइड बॉक्स है उनके, अलग अलग जो बच्चों को आकर्षित करती है पढ़ने के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर है। तो मैं भी सभी को बोलूंगी कि अगर आए तो स्टेशनरी जो है वो यहाँ पर जरूर ले। और यहाँ पर एक चीज जो छल्ले वगैरह की चेन वगैरह है, और मेले के इस साइड में पूरा जो भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसका सारा सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ है। बर्फ के खोले से लेकर जंक फूड, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा और खाने पीने की सारी चीजें जो है वो इधर रखी हुई है। इधर देख सकते हैं झूले जो है, काफी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब लोग जो है झूलों का आनंद भरपूर उठा रहे हैं। एक चीज यहाँ पर मेले में ये भी देखने को मिली, यहाँ पर लगा हुआ है भूत बंगला। बातचीत करेंगे कि भूत बंगले के अंदर ऐसा क्या है, कहाँ जा रहे हो, भूत बंगले के अंदर क्यों डर नहीं लगेगा, क्या असली भूत है नकली है, है? भाई जी भूत बंगला में सो कहीं है जो लोग डरा है, भूत होते भाई साहब सामने से आता है निकल के, वापिस आते हो सामने से आएगा। कता भूत है लगभग, जो एक बार देखता है वो दोबारा जरूर आता है, दोबारा जरूर आता है। क्या खास बात है, दोबारा वापस आए, इसके अंदर हंसता जाता है, उसे लगता है कि हम भूतों के सामने गए, भूतों के सामने गए, भूतों के पास कता भूत ही गवाए, उसे भूतों से मुकाबला करके आए, तो कता भूत ही गवाए, कता भूत है, कई सारे भूत है, ये सत्ता भी जा रहे हैं। आपसे ही बात करेंगे वापस निकले बाद में कि कताक भूत को सामलो ये करके आए, तो लाइट बंद करवाए ने मैं तान दिखाऊंगा कि के हिसाब से भूत निकल के आओगा कि भाई देख सको थे। एक तो ये एक भूत तो ये रहा। हेलो तो यो देख पा रहे हो, हेलो नवलगढ़ के माध्यम से मैं दान दिखा रहा हूँ, ड्रावनी जगह है। अरे कहा देख सको थे, तो पसीना छुटिया कौन छुटिया, मैंने नहीं छुटे भाई साहब, बिल्कुल डर नहीं लगा यार, है? अंदर क्या कर रहा है, बोला क्यों गया बाबार में भाई साहब, मैं भूत बन के दिखाया, फिर बाबा जो नहीं आया गया ना, फिर सब सुन को नहीं आया। हाँ जी, इस बार क्या कुछ विशेष है मेले के अंदर? विशेष तो हमारे एक तो यहाँ जो मेला लगाया हमने, मतलब बाबा राम सपीर के पावन के ऊपर है, और ये बिल्कुल एकदम चारों तरफ से खुला है, सीसीटीवी कैमरे, पानी की प्याऊ की व्यवस्था है, और ग्राउंड का रास्ता भी हमने 40 फुट का छोड़ रखा है,
मतलब स्पेस जो है वो खूब ज्यादा है, और मैं पीछे देख पा रही हूँ एक काफी अच्छी चीज है, एलईडी लगी हुई है जहाँ पर जेब कतरा या जो भी कोई भी समस्या हो जाए उसकी। हमने हर गाड़ी के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। अच्छा, और सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था हमारे पास है। बिल्कुल, ये काफी अच्छी चीज है ताकि लोगों को जो है वो श्रद्धालु आ रहे हैं जो मेले का आनंद उठा रहे हैं उनको दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हो। और कुछ इस बार क्या विशेष है? विशेष तो क्या है कि इसमें हैंडीक्राफ्ट आइटम है, हैंडलूम आइटम है, वो विशेष करके है, फूड है, फूड जोन का है, वो विशेष नया आइटम लगे आपके पास। हाँ, फैमिली के लिए बिल्कुल। और फूड वाले के साइड भी मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पर भी काफी ज्यादा स्पेस जो है वो रखा है ताकि पब्लिक जो है उनको परेशानी नहीं हो।